हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास टेंथ के सब्जेक्ट हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कौन सी कहानी है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा धार्मिक और चौथा मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? इसका ऑप्शन ए है दिल्ली के पास, बी गांव में, सी शहर में और डी लोगों के मन में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गांव में। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? इसका ऑप्शन ए है ललित, बी भावात्मक, सी विवेचनात्मक, डी विवरणात्मक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललित। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन और ऑप्शन नंबर डी आविन्यो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन नंबर ए 15वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन नंबर सी 8वीं से 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं से 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, बहादुर के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए नलिन बिलोचर शर्मा, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकांत। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कैसी कहानी है? ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक और डी वैज्ञानिक। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? ऑप्शन नंबर ए आलोचक, बी कवि, सी नाटककार और डी साहित्यकार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलोचक। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए भाषा और समाज, ऑप्शन नंबर बी परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी भारत की भाषा समस्या, ऑप्शन डी रामचंद्र और उनका यू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कारवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथक। अगला क्वेश्चन है, आविन्यो पाठ का लेखक कौन है? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है आपका, आविन्यो पाठ गद की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी यात्रा वृतांत, ऑप्शन सी उपन्यास और ऑप्शन डी
रेखा चित्र। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यात्रा वृतांत। अगला क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक और ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग और ऑप्शन डी मजदूर वर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करना।